मित्रों, मैं अमरेश कुमार श्रीवास्तव नव चेतना यूट्यूब चैनल में आपका अभिनंदन करता हूं। आज अपन मध्य प्रदेश के 8वें मुख्यमंत्री श्री प्रकाश चंद सेठी जी के लिए बात करेंगे। श्री प्रकाश चंद सेठी जी का जन्म 19 अक्टूबर 1920 में झालरवाड़ा राजस्थान में हुआ था। इनका मूल स्थान वो था, बाकी इनका जो क्रिया क्षेत्र था वो उज्जैन था। ये उज्जैन से इन्होंने पढ़ाई की, उज्जैन से ही इन्होंने इनका कार्य क्षेत्र रहा, उज्जैन में ही इन्होंने राजनीति की और उज्जैन से ही ये आगे बढ़े। 1939 से उज्जैन के महाविद्यालय, माधव महाविद्यालय और माधव क्लब के सचिव रहे। जब ये कॉलेज में पढ़ते थे तब की बात है। 1942 के आंदोलन में महात्मा गांधी के आह्वान पर ये आंदोलन में जुड़ गए और आंदोलन में इनने बहुत बहुत सक्रिय भाग लिया। 1942 1949 और 1952 में ये मध्य भारत के, उस वक्त मध्य प्रदेश नहीं हुआ करता था, मध्य भारत के इंटक के उपाध्यक्ष थे। ये जो कर्मचारी यूनियन होती थी इनके लिए काम करने लगे, सहकारिता के लिए काम करने लगे और ये उस वक्त ये इंटक जो था ये यूनियन की कर्मचारियों के भविष्य के लिए, कर्मचारियों के उन्नति के लिए काम करता था, ये उसके उपाध्यक्ष रहे। 1948 से 1949 में इन उज्जैन में टेक्सटाइल वर्कर्स के उपाध्यक्ष रहे और इन्होंने उसका उसके लिए भी काम किया। 1951 और 1954 और 1957 में ये 19 उज्जैन के ये जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। 1954 और 53 के मध्य कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी रहे। 1956 से 1959 तक ये भारत ग्राम खादी मंडल के प्रादेशिक समिति के सदस्य रहे और इन्होंने ने परिवहन में भी काम किए, जो परिवहन कर्मचारी संघ था उसके भी ये उपाध्यक्ष थे। 1955 से 56 तक ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई, गुजरात के प्रांतीय सदस्य रहे, क्षेत्रीय सदस्य रहे और प्रांतीय सदस्य रहे। 1966 में कांग्रेस कमेटी बिहार के ये पर्यवेक्षक बनाए गए, कांग्रेस कमेटी के चुनाव थे उस वक्त ये पर्यवेक्षक बनाए गए। ये पहले राज्यसभा में थे, ये राज्यसभा में लगातार 3 बार निर्वाचित हुए और 1967 में ये पहले बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 9 जून 1962 से मार्च 1967 तक ये केंद्रीय मंत्री रहे, इस्पात, खान मंत्री, धातु मंत्रालय में इन्होंने काम किया और ये स्वतंत्र मंत्री थे अपने विभाग के। 1969 से वित्त मंत्रालय में इन्होंने काम किया और ये व्यय मंत्री रहे। 1961 में 2 फरवरी 1961 से 2 अप्रैल 1964 तक और 3 अप्रैल 1964 से 2 अप्रैल 1970 तक और 3 अप्रैल 1976 से 2 अप्रैल 1982 तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे। लगातार ये 3 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की इन्होंने 2 बार शपथ ली और ये 2 बार मुख्यमंत्री बने। पहली बार 29 जनवरी 1972 से 22 फरवरी 1972 तक ये अल्प समय के लिए मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 23 मार्च 1972 से 13 दिसंबर 1975 तक ये मुख्यमंत्री रहे। घटना ऐसी है कि श्यामा चरण शुक्ला जी जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो इंदिरा जी हाई कमांड किसी बात से इनसे नाराज हो गई और उनको इस्तीफा देना पड़ा। उस वक्त विधानसभा का सेशन नहीं चल रहा था, मगर उस वक्त इतने साधन भी नहीं थे, मगर सब विधायकों को खबर भेजी गई कि कल 10 बजे दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर एक आवश्यक बैठक बुलाई गई है। सब विधायक किसी तरीके से दिल्ली पहुंचे, मगर 10 बजे की जगह लोग बाग 1 बजे तक पहुंचे तो 1 बजे मीटिंग हुई और इंदिरा जी ने पहले वक्त सीधे पहुंचते से नाम लिया कि क्योंकि श्यामा चरण जी ने इस्तीफा दे दिया है इसलिए प्रकाश चंद सेठी अगले मुख्यमंत्री होंगे। आप सुन के ताज्जुब करेंगे कि लोगों में सन्नाटा आ गया क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी और एक भी ताली नहीं बजी क्योंकि लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि इनका नाम आएगा, मगर क्योंकि हाईकमान का आदेश था इसलिए सर्वसम्मति से माना गया और सब लोगों ने माना, इन्होंने ये पहले बार मुख्यमंत्री बन गए। 1971 के लोकसभा चुनाव में उस वक्त कांग्रेस की लोकसभा की 37 सीटें हुआ करती थी,
मगर कांग्रेस केवल 21 सीट जीत पाई और इसकी वजह से इनके ऊपर कुछ आरोप लगे, कुछ विरोधियों के सर उठाए विरोधियों ने और इनके खिलाफ एक वातावरण बनाया जाने लगा दिल्ली में। जब ये मुख्यमंत्री थे उस वक्त चंबल में या अपन कह सकते हैं ग्वालियर में दस्यु समस्या, डाकों की बहुत विकट समस्या थी और ये बहुत ज़्यादा रुष्ट थे उससे, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा उत्पात था। और इन्होंने बड़े प्रयास करके एक मीटिंग में दिल्ली में होम मिनिस्ट्री में गृह विभाग के लोगों को ये बोला कि जहाँ डाकों का जहाँ इलाका है वहाँ रहवास तो है नहीं, इसलिए उनके पर बम गिरा दिए जाएं तो सब डाकू समस्या खत्म हो जाएगी, और इसके लिए कोई तैयार नहीं था। तो ये होम मिनिस्ट्री में गए और होम मिनिस्ट्री से ये इसकी इजाज़त ले आए, और इसकी इजाज़त जैसे ही लेके आए मगर ये पब्लिक में पता लग गया, लीक आउट हो गई बात कि इनके ऊपर बम वर्षा होने वाली है। तो डाकू जो थे चंबल के वो भी घबरा गए, कुछ इधर उधर छुप गए। करीब 450 डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया, एक रिकॉर्ड है उस, और उससे करीब करीब काफ़ी कुछ समस्या आई है इनके इस केवल एक प्लान बनाने से या एक योजना बनाने से बहुत कुछ समस्या हल हो गई। 1977 में जब आपातकाल खत्म हुआ और लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में बहुत बुरी तरह हार गई। पूरे मध्य प्रदेश में केवल एक सीट कांग्रेस जीत पाई थी, वो सीट थी छिंदवाड़ा की, वो सीट छिंदवाड़ा की थी और उसमें पंडित गार्गी शंकर मिश्रा एकमात्र मध्य प्रदेश के लोकसभा में पहुंचे थे। इससे सेठी जी की प्रतिष्ठा पे बहुत ज़्यादा आघात हुआ और उनकी जो खिलाफ जो लोग सर उठा रहे थे राजनीति में, जो उनके खिलाफ वातावरण बन गया और अल्टीमेटली उनको इंदिरा जी से नाराजगी उठानी पड़ी। और इसी बीच में कांग्रेस टूटी और ये इंदिरा कांग्रेस में नहीं गए, एक ब्रह्मानंद रेड्डी एक कांग्रेस बनी और इंदिरा कांग्रेस बनी, ये ब्रह्मानंद रेड्डी के साथ गए। मगर क्योंकि ये उस वक्त कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे, इनके पास हिसाब था, लोगों का ऐसा अंदाज है कि ये जान करके रोके गए ब्रह्मानंद रेड्डी कांग्रेस में जाने के लिए, इनको कहा गया ताकि ये अपना वहाँ का हिसाब था सब बराबर कर लें, क्योंकि ये कांग्रेस के उस वक्त कोषाध्यक्ष थे और कभी भी छापा पड़ सकता था या इंक्वायरी हो सकती थी, इसलिए ये वहाँ रह कर गए। जब इन्होंने पूरे रजिस्टर अपने कब्जे में कर लिए, सब हिसाब किताब बराबर कर लिया, तो ये इंदिरा जी के पास वापस आ गए इंदिरा कांग्रेस में। तो इसमें दो चीज़ें हैं अलग अलग, कोई का कहना कि इन्होंने विरोध किया और किसी का कहना कि नहीं, ये समझदारी से इन्होंने अपना काम किया है। कांग्रेस में वापसी के बाद इनसे राजीव गांधी जी से इनकी पटरी मेल खानी नहीं खाई और ये कांग्रेस से दूर होते चले गए। 1977 में ये भी चुनाव हार गए थे इंदौर से, उस वक्त श्रीमती सुमित्रा महाजन चुनाव जीती थी, तो इनकी छवि वैसे भी धीरे धीरे खराब होती चली गई। 1984 में जो अमृतसर कांड हुआ, इस वक्त ये होम मिनिस्टर थे मगर इनको भी अंदाज नहीं था कि क्या होने वाला है। जब भिंडरवाला मारा गया और हिंदुस्तान में इतना उत्पात हुआ तो ये उस वक्त कि ये होम मिनिस्टर थे, एक विरोधी लोगों का एक कलंक इनके ऊपर भी था। 1977 में चुनाव हारने के बाद ये धीरे धीरे बाहर हो गए, और मगर जब राजीव गांधी फिर से सत्ता में आए 1979 में, तो राजीव गांधी ने इनको वापस बुलाया और इनको इंदौर से चुनाव लड़ाया और ये वहाँ से चुनाव लोकसभा से ही चुनाव जीत गए। ये 1996 तक ये मजबूती से काम करते रहे, मगर इत्तेफाक से 1996 में इनकी मृत्यु हो गई और कांग्रेस ने एक अपना सितारा हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। मित्रों, अगर मेरा ये YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।